मेरे वीडियो में मैं आप सभी को न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट देने जा रही हूँ, जिसमें मैं वन बाय वन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के क्वेश्चंस दूंगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं लेके आ रही हूँ पाइप बेस्ड क्वेश्चन, कि पाइप का ये जैसे क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाता है कि किसी एक पाइप एक टैंक को इतनी देर में भरती है, इतने टाइम में भरती है, दूसरी एक पाइप है वो इतने टाइम में भरती है, तो दो को साथ चलाया जाए या तीन पाइप है, या एक पाइप जो है पानी निकालने का काम कर रही है, दो पाइप उसमें पानी डालने का काम कर रही है, तो फिर कितनी देर में वो जो टैंक है वो फिलअप होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड थ्री मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। इसमें क्या कह रहा है कि एक टैप है वो 6 घंटे में भरती है, तो वो जो है जब तक टैंक आधा नहीं भरा, फिर उसके बाद जब वो आधा भर गया तो तीन और उसके जैसी जो है थ्री मोर, मतलब टोटल कितनी चल रही है बाद में, 4 चल रही है। तो अब आपको जो है टोटल टाइम निकालना है टैंक कम्प्लीटली फिल होने का। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें, तो देखिए इसमें क्या है कि चार उसके जैसी ही और टैप फिर हमने खोल दी है थ्री मोर, तो टोटल बाद में कितनी चल रही है, 4 चल रही है। तो इस तरीके से हम पहले ये देखिए, पहले आधा टैंक भरा हमने सिर्फ एक टैप से, तो आधा टैंक 6 घंटे पूरा टैंक भरने में लगता है, तो आधा टैंक कितना टाइम में भरा, 3 घंटे में, तो 3 घंटे तो आपके सीधे सीधे हो गए। उसके बाद आपको ये देखना है बाद में कितनी टैप्स चल रही है, 4 टैप्स चल रही है, तो वो 4 टैप्स कितनी देर में उसको भरेगी, बचे हुए टैंक को 1/2 बचा हुआ है उसकी कैपेसिटी। एक टैंक जो एक टैप है वो कितनी देर में भरती है, 6 घंटे में, हमने आधा भर लिया, इट मीन्स हमारा टाइम हो गया 3 आवर्स, 3 आवर्स टाइम हो चुका है, अभी हमारा टैंक कितना भरा जाना है, 1.5। तो अब हमारे पास कितनी टैप्स चल रही है, 4 टैप्स चल रही है। तो अगर हम एक चीज ये देखें कि फुल टैंक जो है वो 6 घंटे में भरा जाता है, तो 1 घंटे में कितना भरता है, देखिए 6 घंटे में भरता है फुल टैंक, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6, मतलब उसका 1/6 हिस्सा एक टैप जब आपकी चलती है तो 1/6 भरा जाता है। अगर हमारी 4 टैप्स चल रही है तो 1 घंटे में 4 टैप्स कितना भरेगी, आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 2/3 भर देती है वो 1 घंटे में। अब हमें देखना है, देखिए 2/3 भर देती है 1 आवर में, ठीक है, तो 1 कैपेसिटी कितने में, 1 कैपेसिटी कितने में भरेगी, 1/2/3, ओके। और अगर मान लीजिए हम बात करते हैं आधा कितने में भरेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आधा भरने के लिए ये उलट जाएगा, 3/2 × 1/2, तो ये आ गया अपना 3/4 आवर्स। और 3/4 आवर्स का मतलब क्या है, अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दे तो 3/4 आवर्स का मतलब है × 60 मिनट कर देंगे, तो ये 45 मिनट आ गया। 3 घंटा पहले हमारा आधा भरने में यूज हो चुका था, और अभी हमारे जो है 45 मिनट्स अभी हमारे लग गए हैं इसको बचा हुआ आधा भरने में, तो टोटल हमारा टाइम क्या हो गया, 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। इसमें जो अपना आंसर है वो क्या आ गया, 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स, जो बी आंसर है वो आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, एंड ए वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन पर मिनट, मतलब जो है दो पाइप एक टैंक को, एक पाइप 20 मिनट में भर सकता है, एक 24 मिनट्स में भर सकता है, और जो तीसरा पाइप है एक वेस्ट पाइप है वो 3 गैलन पर मिनट एम्प्टी करता है। अगर मान लीजिए सारे के सारे एक साथ चल रहे हैं तो आपका जो टैंक है वो 15 मिनट में फिलअप हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको दो चीजें ध्यान देनी है, दो पाइप ऐड कर रहे हैं और एक पाइप माइनस कर रहा है, तो उस एक पाइप की जो स्पीड है उसको माइनस में लेना है, और दो पाइप की जो स्पीड है उसको प्लस में लेना है। तो इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाएं दोस्तों, पहला एक जो पाइप है वो भरता है 20 मिनट्स में, दूसरा पाइप भरता है 24 मिनट्स में, और जो तीसरा पाइप है वो एम्प्टी करता है, मीन्स उसको हमें नेगेटिव लेना है, वो एम्प्टी करता है, तीनों एक साथ चल रहे हैं तो 15 मिनट्स में भर रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि मतलब टोटल काम जो हो रहा है पर आवर, सॉरी पर मिनट जो काम हो रहा है वो 1/15 हो रहा है,
पर मिनट जो काम हो रहा है, पर मिनट वर्क जो हो रहा है वो 1/15 हो रहा है, और पर मिनट जो काम हो रहा है उसमें एक टैंक है जो फिल माइनस भी कर रहा है। अगर हम ये दोनों सिर्फ फिल कर रहे होते तो पर मिनट कितना काम हो रहा होता। अगर मान लीजिए ये दोनों ही फिल कर रहे हैं, ये अपना जो माइनस वाला है वो नहीं चल रहा है, जो एम्प्टी कर रहा है वो नहीं चल रहा है, तो ये दोनों ऐड कर रहे होते और पर मिनट इतना जो है टैंक आपका 1/20 + 1/24 ये फिल हो रहा होता पर मिनट। पर अभी पर मिनट हो कितना रहा है, ये हो रहा है। और ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है कि जो तीसरा पाइप जो है वो खाली जो कर रहा है, और ये क्योंकि खाली कर रहा है तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि वो पर मिनट कितना काम कर रहा है। पर मिनट जो थर्ड पाइप है, वेस्ट पाइप है, वो कितना काम कर रहा है पर मिनट, वो कर रहा है 1 - 15। और इसका जैसे हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका 120 हो गया, और यहाँ हमारे पास में जो है मतलब आ गया टोटल 11 आ गया, 5 + 6 = 11/120। अब अगर मान लीजिए हम 1/15 - 11/120 करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1/40। तो देखिए अब हमारे पास में 1/40 आ गया, पर मिनट वो 1/40 खाली कर रहा है, तो 1/40th वॉल्यूम जो है वो खाली कर रहा है पर मिनट। पर ये हमें दे रखा है कि जो पर मिनट खाली, जो वेस्ट पाइप है वो पर मिनट 3 गैलन 5 गैलन एम्प्टी कर रहा है। तो मतलब जो हमारा टैंक है उसका 1/40th = 3 गैलन। तो अब यहाँ से हमारे पास में सीधे सीधे हमारी कैपेसिटी आ जाएगी कि वॉल्यूम क्या है उसका टैंक का, 3 × 40। तो ये हमारे पास में आ गया 120 गैलन। 120 गैलन जो है, 120 गैलन जो है वो टोटल उस टैंक की कैपेसिटी है। गैलन आपको याद रहे ये एक कैपेसिटी का, वॉल्यूम का, आयतन की यूनिट होती है। तरीके से जो हमारा आंसर है इसमें 120 गैलन आ गया, सी आंसर आ गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन पाइप कैन फिल ए टैंक 3 times as faster एज अनदर पाइप, मतलब वो 3 गुना ज्यादा भर सकता है दूसरे पाइप के कंपेयर में। इफ टुगेदर टू पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, देन द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। ये क्या कह रहे हैं कि जब दोनों पाइप को आप एक साथ चला देंगे टैंक में तो वो दोनों मिलके 36 मिनट में फिल करते हैं, तो हमें ये बताना है कि जो स्लो वाला पाइप है वो कितनी देर में टैंक को भरेगा। तो देखिए इसको हम देख, एक पाइप जो है वो 3 times faster है, तो हम ये मान ले कि जो स्लोअर पाइप है, स्लोअर पाइप जो है वो भरता है टैंक को जो है एक्स मिनट में, और जो फास्टर पाइप है, फास्टर पाइप कितने में भरेगा, x/3, क्योंकि वो 3 times faster है तो वो जल्दी भरेगा। अब आप ये देखिए जब दोनों मिलके भर रहे हैं तो ये कितनी देर में भरेंगे दोनों मिलके, 1/x + 1/x/3 = 136, क्योंकि दोनों मिलके कितनी देर में भर दे रहे हैं, 36 मिनट में। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, 1/x + 3/x = 1/36, और इसको यहाँ पे अगर आप देखें 4/x = 1/36 इम्प्लाइज अगर हम x इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा, x उधर चला जाएगा, 36 इधर आ गया, 36 × 4, तो ये आ गया हमारे पास में 144 मिनट्स। ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट किस में थी, आपकी यूनिट मिनट्स में थी, आप कैलकुलेशन सारी मिनट में कर रहे थे, तो ये आपके पास में आ गया कि 144 मिनट्स में दोनों, जो स्लोवर वाला है वो 144 मिनट्स में फिल करेगा। और अगर मान लीजिए आप फास्टर वाले का देखना चाहें तो फास्टर वाले का था x/3, तो फास्टर वाला जो है x/3 इसमें भरेगा, तो ये हो गया 3 × 12 और जो है 3 × 8 = 24, 48 मिनट्स में फास्टर वाला भर देगा और 144 मिनट्स में स्लो वाला।